हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसी प्रकार इस टॉपिक में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक जिसका नाम है लैंथेनॉइड्स। ये जो पीरियडिक टेबल आप देख पा रहे हो, इस पीरियडिक टेबल में जो लास्ट की दो रोज हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था, उनको एफ ब्लॉक कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो लैंथेनम जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी स्टडी हम एफ ब्लॉक के अंदर ही करेंगे। इसी प्रकार एक्टिनियम को भी हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ज्यादा मिलती जुलती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज होती हैं। ऊपर वाली सीरीज को हम लैंथेनॉइड कहते हैं और नीचे वाली सीरीज को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम लैंथेनॉइड्स की ही स्टडी करने वाले हैं। लैंथेनॉइड्स को हम 4F सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F सबसेल के ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। चलिए अब 4F सीरीज के एलिमेंट्स के कुछ टोनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आफबाव प्रिंसिपल के अनुसार होता है। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F सबसेल के अंदर ही एंटर कर रहा है। लैंथेनॉइड्स को हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं। लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4F में इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14 तक वैरी करते हैं, जबकि 5D में 0 से 1 तक वैरी करते हैं, और 6S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही रहती है। 4F सीरीज में आफबाव प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि यहां मेंशनड हैं। इस टेबल में 4F सीरीज के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, और एलिमेंट्स के आयंस के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टेबल में दिए हुए हैं। इसमें लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिसियम आफबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में ना जाकर 5D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, जैसा कि आप टेबल में देख भी पा रहे हैं। LN प्लस 2 कॉन्फ़िगरेशन, LN के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्राप्त होता है, और LN प्लस 3 कॉन्फ़िगरेशन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से प्राप्त होता है। चलिए अब हम लैंथेनॉइड्स के एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझते हैं। इस टेबल में लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक साइज दिया हुआ है और उनके आयंस का भी साइज दिया हुआ है। जनरल ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें तो लैंथेनॉइड्स सीरीज में एटॉमिक साइज घटना चाहिए, वही ट्रेंड यहां पर भी फॉलो हो रहा है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वह है यूरोपियम। इसका साइज घटने की बजाय बढ़ गया है, इसे आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरोपियम का स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम LN प्लस 3 का आयनिक साइज देखें तो यह रेगुलरली डिक्रीज होता है, जैसा कि हम ग्राफ में देख भी पा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में कॉमनली प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ एलिमेंट्स प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं।
इस सीरीज में प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक प्लस टू और प्लस फोर। अगर हम सेरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 5d में एक इलेक्ट्रॉन और 6s में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट यह शो करता है। सेरियम के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है। यदि आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को रिकॉल करो तो आप पाओगे कि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सेरियम के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसा कि टेबल में मेंशन किया हुआ है। ये एलिमेंट्स केवल ऑक्साइड्स में ही प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इस लैंथेनॉइड सीरीज में यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि हाफ फिल्ड है, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एटम से निकाला जा सकता है। इसी कारण यह प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और आप इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से समझ सकते हैं, और यह एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ऐसे ही यटरबियम भी एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। 4f सीरीज में टर्बियम भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। समरियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से समझ सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट भी करता है। चलिए अब लैंथेनॉइड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। लैंथेनॉइड्स सिल्वर के जैसे वाइट होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, और हवा में खुला छोड़ देने पर ये काले पड़ जाते हैं। इस 4f सीरीज में आगे बढ़ने पर इनकी हार्डनेस भी बढ़ती जाती है। लैंथेनॉइड्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं। लैंथेनॉइड्स के आयन सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशंस दोनों में ही कलर शो करते हैं। लैंथेनॉइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं तथा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि दिखाए गए हैं। लैंथेनॉइड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ते जाते हैं, लेकिन यूरोपियम और यटरबियम इसके एक्सेप्शंस हैं। चलिए लैंथेनॉइड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। लैंथेनॉइड्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और H2 गैस रिलीज कर देते हैं, तथा ये हैलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बना लेते हैं। ये पानी से रिएक्ट कर जाते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी रिलीज कर देते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पर कार्बन से मिलकर अपने कार्बाइड बना लेते हैं, तथा नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ये नाइट्राइड बनाते हैं, और सल्फर के साथ गर्म करने पर यह सल्फाइड्स बना लेते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इनको गर्म करें तो ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं।